प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जो कि इंटरव्यू लेंगे एक पाकिस्तानी लड़की का, ऐसी पाकिस्तानी लड़की जो हमारे प्यारे देश भारत से होकर आई है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जो लड़की मौजूद है वो इंडिया का विजिट करके आई हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जब इंडिया गई, इन्होंने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया और इंडिया गई कैसे, इंडिया के तो वीजे मिल ही नहीं रहे, हम कब से ट्राई कर रहे हैं हमें नहीं मिला, इन्हें कैसे मिला, कब मिला, इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुनाहिल। मुनाहिल, आपसे पहले भी आई थिंक बात हो चुकी है और पता चला था कि आपने इंडिया का विजिट किया है, तो आज मैं चाहता हूँ डिटेल में आपसे बात की जाए। आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से, वहाँ के लोगों की सोच के हवाले से, ओवरऑल हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैंने आपके चैनल के बारे में भी सुना है। मुझे पता है आपके ज्यादातर फॉलोअर्स इंडिया से हैं और इंडिया में आपको बहुत पसंद किया जाता है। वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, वो भी आपके बारे में बहुत बताते हैं। शोएब चौधरी को बहुत पसंद किया जाता है वहाँ पे, तो मैं आई होप कि आपको तो वीजा मिलना चाहिए, आपको सपोर्ट करें और आप इंडिया जरूर जाएं। अच्छा। तो ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं मुनाहिल, आप इंडिया कैसे गईं, कब गईं, पहले तो ये बताएं, क्योंकि वीजा तो नहीं मिल रहा, और फिर वो आगे बहुत सी बातें हैं कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो आपके रिलेटिव्स हैं और आपकी एज के जो वहाँ पे आपके कजन या जो भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो आज वहाँ पे क्या कर रहे हैं और डेवलपमेंट के हवाले से। सबसे पहले वीजा? अभी तो नहीं गई, थोड़ा टाइम हो गया, जब तक वीजा पॉसिबल थे तब तक जाते थे, जाते आते रहते थे, रिलेटिव्स हैं मेरे वहाँ पे कुछ, तो इसलिए वहाँ पे आना जाना था। अब तो भी बातचीत है उनसे, माशाल्लाह कुछ डॉक्टर्स हैं उधर। अच्छा। जी, और कुछ टीचर्स हैं और एक तो सिंगर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, बट सिंगर हैं फिर तो नाम बताना चाहिए उन्हें थोड़ा बहुत। चले खैर, वो आपकी मर्जी है। वो है थोड़ा। अच्छा, एक कंसेप्ट दिया जाता है, वैसे तो अब ये सवाल पूछ पूछ के मैं थक गया हूँ, जितने भी लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं या इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, तो मैं पूछता हूँ जी मुसलमानों का, क्योंकि हमारे माइंड में बिठा दिया गया कि मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म। मुझे ये बात कन्फर्म है, क्लियर है कि भाई वहाँ पे मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से रह रहे हैं, इश्यूज हर जगह पे होते हैं, वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे जी एक कंसेप्ट है, आपके भी रिलेटिव डेफिनेटली वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान ही हैं ना? I don't think so कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है, सब अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में, और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है, एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन सफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके, और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स, तो आई डोंट थिंक सो। अब थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होता होगा, जैसे इशू जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ को, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ की उतनी वैल्यू नहीं हो सकती जो मेजॉरिटीज़ की है। अब हमारे कंट्री में भी जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स है उनकी इतनी वैल्यू है जितनी के माइनॉरिटीज़ के, मतलब कि कम है ना। आज हम हेल्दी सी डिस्कशन करेंगे, माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के हवाले से बात नहीं करेंगे। इन्होंने जो बात की खास तौर पे कि भाई बिग बॉस देखते हैं उधर भी मुस्लिम हैं, और इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अच्छा एजुकेशन में क्या आपने फर्क देखा, या आप अपने कजन से बात करते हैं कि भाई आपके वहाँ पे एजुकेशन इज मोर बेटर देन पाकिस्तान इंडिया, तो क्या आपको क्या लगता है कि उनकी अगर डेवलपमेंट है, पहले तो बताएं डेवलपमेंट है, लाइक आपने सिटी कौन सा विजिट किया, ये तो मेन क्वेश्चन। दिल्ली। दिल्ली कहते हैं, दिल्ली और लाहौर, ये हम मैंने सुना है कि भाई एक जैसा है, जैसे कराची और मुंबई एक जैसा, और वैसे दिल्ली और लाहौर, आपको लगता है एक जैसा है या वो डेवलप हो चुका, या हमारे यहाँ से ज्यादा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो इक्वली आई थिंक सो है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन प्यारा तो हमारा लाहौर ही है ज्यादा। ये तो मैं भी कहूंगा, ये कहूंगा मुझे लाहौर से बहुत प्यार है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, लेकिन ये तो एक दिल की बात है। मुनाहिल ये बताएं, क्या हमें इंडियन से सीखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें आपने वहां पे ऑब्जर्व की जो आपको लगा कि यार ये चीज अगर पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान भी आगे जा सकते, क्योंकि एट द एंड आपको एजुकेशन को वहां बहुत सपोर्ट है। आप देखें बैगर जाते हैं ना, वो भी इंग्लिश में मांगते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, मतलब मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब ठीक है बेशक हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, लेकिन ऑफिशियल तो अब यही हो चुकी है, हम यूज़ भी हर जगह करते हैं, मतलब आना ज़रूर है। अब तो ये कॉन्सेप्ट बन गया, जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं आती वो पढ़ा लिखा, एजुकेटेड एजुकेशन में नहीं लाते ना उसको जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो इनकी बड़ी डेवलपमेंट ये है। फिर आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और सिंसेरिटी से करते हैं,
तो ये चीज भी बड़ी नोट की गई है और इसी वजह से शायद दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ये चाहते हैं कि उनके पास जो वर्कर आए, जो लेबर आए खासतौर पे, वो इंडियंस आए। और इवन इस्लामिक कंट्रीज, यूएई की बात करें या सऊदीया की बात करें, यहाँ पे भी मोस्टली जो उनसे मैनेजिंग पोस्ट पे वो इंडियंस मौजूद है। अगर अब आपको मतलब मौका मिले इंडिया जाने का, जाना चाहेंगी या ट्राई वगैरह करती हैं? हम तो ट्राई करते रहते हैं, मतलब पेरेंट्स भी हम भी, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं बनती उनकी है। मे बी वो अब चक्कर लगा लें, लेकिन वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे भी आपको जरूर मिलवाएंगे आप उनका इंटरव्यू को, आपके वैसे ही बड़े फैन है। अच्छा मुझे बताएं, मैंने ये सुना है कि भाई जो रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ पे या वहाँ पे, वो वीजा उन्हें इजी मिल जाता है, वो वीजा मतलब अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे रिलेटिव हैं वो वहीं से आई हुई हैं, इंडिया से ही, मतलब उनके नेशनैलिटी इंडियन की है। आपकी तो पूरी इधर फैमिली सिस्टम चल रहा है, कोई यहाँ से वहाँ वहाँ से, तो वो उनकी नेशनैलिटी इंडियन ही है, बट वो भी नहीं जा सकती, मतलब उनको भी वीजा, नेशनैलिटी इंडियन है फिर वापस नहीं जा सकती। शादी हो गया है, शादी होके इधर आई है, लेकिन ये चीज मेरे लिए थोड़ी हैरत वाली है कि मतलब नेशनैलिटी अगर इंडियन है तो फिर वापस नहीं जा सकती है। अच्छा मुझे बताएं, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाएं, जैसे आपने विजिट किया, अगर आप विजिट ना करती मेरे ख्याल से आप भी यही सोचती जैसे पाकिस्तान के दूसरे मेजोरिटी, मतलब जो उनसे यूथ सोचते हैं कि बड़ा जुल्म, बड़े गंदे, ये वो, एक माइंड में चीज बढ़ती है। आपने विजिट, बुरे लोग हर जगह हैं, वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, तो हमें इंडियन मुस्लिम्स या पाकिस्तानी हिंदू, मतलब इस तरह से मुस्लिम हिंदू का भी नहीं करना चाहिए, ये अपनी सोच होती है इंसान की, बिल्कुल अपनी सोच को ऐसे रखना चाहिए। इस सोच को आज के दौर में 2023 में ये हिंदू मुस्लिम ये सवाल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे पब्लिक के माइंड में ये चीजें बैठी हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ता है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि अब इस चीज को मजीद डिस्कस करना भी फजूल है कि भाई वहाँ के मुस्लिम कैसे हैं, यहाँ के हिंदू, यहाँ के हिंदू जैसे भी हैं, सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि कौन चीजें कहाँ पे कैसे की जा रही हैं। हिसाब है, एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, उसी तरह पाकिस्तान भी इसी तरह से कुछ लोगों के बुरे होने की वजह से सारा बदनाम हो गया, इसी तरह हर जगह पे इसी तरह से। एक सवाल आपसे करूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, जो आपने ऑब्जर्व किया वो बताइएगा कि आपने वहाँ पे गया, आपने भी बोला कि भाई मुस्लिम वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे मिक्स रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम माइनॉरिटी समझ के साइड पे किया जा रहा है, क्या यही चीज आप पाकिस्तान में ऑब्जर्व करती हैं? ईमानदारी से बताइएगा कि भाई यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हिंदू रहते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया जा रहा है, या आप इवन देखते हैं हमारी सोसाइटी में हिंदू आपके साथ बैठे खड़े? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है, कहीं कहीं, ये भी मैं कहती हूँ लोगों पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फील करते हैं कि भाई हिंदू है, साथ ना बैठे, साथ ना खड़े हो, खाए पिए मत। एजुकेटेड लोग थोड़ा बहुत, एजुकेटेड और एजुकेशन भी नहीं, जो समझदार लोग हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ, जिनमें थोड़े मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि नहीं भाई सबके कल्चर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और इसके अलावा हम ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करें और रिलेशन बेहतर होने की कोई उम्मीद है इसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ, मुझे लगता है कि जैसे कि रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं वो देखती हूँ ना इंडस्ट्रीज के लोगों को, जैसे कि सॉन्ग्स भी इकट्ठे मिलके बनाते हैं, तो मुझे ऐसे फील होता है वो भी काफी ज्यादा लव शो करते हैं। अब जैसे कि हानिया आमिर को काफी पसंद किया जाता है उसमें, इंडियन वाले जरूर बताइएगा, क्या हानिया आमिर को जानते हैं? फवाद खान को तो जानते होंगे क्योंकि वो इंडिया में काम भी करके आए, इसके अलावा एक हमारी और एक्ट्रेस थी जो पास भी गए हैं, इंडिया में एक्ट्रेस गई थी शाहरुख खान, हाँ जी माहिरा खान, माहिरा खान उन्हें जान, लेकिन हानिया आमिर आजकल काफी पाकिस्तान में बहुत फेवरेट। उर्फी जवेद, उर्फी जवेद तो मुझे भी बड़ी पसंद है उनकी फैशन, सुना है बड़ी बहुत अच्छा फैशन से, लेकिन टैलेंट तो है बंदे के पास, अपनी अपनी चॉइस है। मुझे बताएं पाकिस्तान की यूथ में और इंडिया की यूथ में क्या फर्क, मतलब नौजवानों जैसे हम हैं, हमारी सोच में तो एनर्जेटिक ही होती है हर तरह से, बस ये है कि अपॉर्चुनिटीज किनको ज्यादा मिलती है। अब हमारी इतनी अपॉर्चुनिटीज शायद हमें नहीं मिल रही, हमें यूथ को नहीं मिल रही जितनी उनको मिल रही हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह बहुत मिलती हैं उनको, आउट ऑफ कंट्रीज की बहुत मिलती हैं, हमारी शायद इतनी ज्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ। देखें मैं भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, ये भी चाहते होंगे और हर पाकिस्तानी चाहता है, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म, कोई विजन, कोई इस तरीके से हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत मिलते हैं, बहुत हर्डल्स मिलते हैं, फ्लैग पुलिंग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसे नोट की जाती है। एज ए पाकिस्तानी आपने इंडिया का विजिट किया, आप वापस आई, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ज्यादातर आपको पता है देखने वाले इंडिया से हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना? बात कहूंगी स्प्रेड पॉजिटिविटी। ये देखे जब आप किसी कल्चर में देख कल्चर को ऑब्जर्व करके आते हैं, वहाँ पे आप हो के आते हैं, विजिट करके आते हैं, तो फिर ऐसी सोच होती है।
मैं गारंटी से कहता हूँ, जब हम गए थे तब ईद आने वाली थी ना, रमजान था, तब हम तो जरूर पहले ही सारी ईद मुबारक रमजान मुबारक जरूर कहते थे, तो तब वहाँ से हमें पता चला कि हमें भी कल्चर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उनके फेस्टिवल में भी उनको विश जरूर करना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी आपको ईद मुबारक और रमजान मुबारक, ऐसे ही है जी बिल्कुल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन, खासकर शोएब चौधरी के सवाल और इस लड़की के जवाब आपको काफी पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।